कैप्रिकॉन, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो उसे ज़रूर देखिएगा और लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। कैप्रिकॉन, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स। यू नो द आंसर कैप्रिकॉन। आई डोंट नो ये किस सिचुएशन के बारे में है, ये कौन सा क्वेश्चन है, बट स्पिरिट इज सेइंग यू ऑलरेडी नो द आंसर। और ये एक्चुअल में बड़ी पावरफुल एनर्जी है क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स है। शी इज वेरी पावरफुल, यू नो, अगर आपको टैरो की समझ हो। और इसमें तो खास दो ड्रैगन्स हैं। ड्रैगन्स तो पावर को, डिस्ट्रक्शन को दर्शाते हैं, जो सत्य नहीं है, जो ठीक नहीं है उसे खत्म कर देना, यू नो, उसकी जड़ को उखाड़ देना ताकि वो नेक्स्ट आगे चलकर भी किसी को तंग ना करे। ये वैसी ऊर्जा होती है क्वीन ऑफ वांड्स की। तो अगर आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो ना, आपका आंसर यही है कि आपको खुद ऑलरेडी उस क्वेश्चन का आंसर पता है, या फिर कुछ लोगों के सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपनी मैजिक वॉन्ड को यूज करो, तुम्हें मैजिक है, तुम्हें पावर है। कुछ लोग यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज में है। माई गॉश, मेरी इतनी जबरदस्त चैनलिंग हो रही है, मेरे सर में दर्द होने लगा एकदम से। विजन्स, ओके कैप्रिकॉन, लिसन, आई थिंक आप में से कुछ लोगों में साइकिक एबिलिटीज हैं, आप में से कुछ लोग शामन्स हैं, आप में से कुछ लोग फायर एलिमेंट के साथ काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कि फायर मैजिक करके कोई ना कोई विश पूरी कर लेना, कोई ना कोई मिरेकल बना लेना। ओके, आपका हाथ जो है वो क्लेंजिंग भी बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे आपके हाथ में पवित्रता है कि आप कहीं पर भी वो क्लेंजिंग की ऊर्जा को लगा सकते हो। तो कुछ लोग यहाँ पर रेकी में भी बैठे हुए हैं, रेकी की पावर लेकर भी। और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पावर्स को इस वीक में इस्तेमाल करो। जो भी मैंने मैसेजेस दिए हैं, जिनके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है। ओके, और अमूमन ये कार्ड क्या कहता है कि यस, यू नो, अपनी काबिलियत का यूज कीजिए। आप में काबिलियत है, खुद को काबिल समझिए पहली बात। तो वी हैव अनदर क्वीन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही मतलब आग और हवा जब आती है, अगर ये दोनों एलिमेंट्स मिल जाएं तो आग और भड़कती है। तो ये आ रही है इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ाने के लिए। माई गॉड, वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, ये बड़ा जबरदस्त वीक होने वाला है कैप्रिकॉन। मुझे नहीं लगता कि जो लोग आपसे जानबूझकर पंगा लेंगे इस वीक में वो बच जाएंगे, उनकी तो शामत आ सकती है। आप तो मतलब यस, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं या कोई कोई आपको बुली कर रहा है, आई थिंक आप रॉर करोगे और आप उनसे कहोगे कि यस, ये गलती अब दोबारा मत करना। ओके, सो वी हैव टू ऑफ वांड्स, वी हैव द हायरोफेंट, समथिंग मैजिकल कैप्रिकॉन। यहाँ भी प्रकाश ही है, यहाँ भी प्रकाश है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसमें से भी प्रकाश निकल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने जो मैसेज दिया वो कितना मिलता जुलता है इन कार्ड्स की ऊर्जा से। किसी किस्म की एक्टिवेशन है इस वीक में। कुछ लोगों के लिए फुलमून भी बड़ा, जो अभी मैं फुलमून के दिन ही इस रीडिंग को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, शायद ये स्ट्रॉबेरी मून कुछ लोगों के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट रहा। सी वी हैव व्हाट, द सन कार्ड, ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यू टेल मी कैप्रिकॉन, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसी, कौन सी मेडिटेशन कर रहे हो, कौन सा इनर वर्क चल रहा है आपका, या कौन सी प्रैक्टिस है जिसे फॉलो कर रहे हैं, मुझे जानना है। ट्रस्ट मी, और मैं ये मजाक में नहीं कह रही हूँ। आई थिंक आप अगर कुछ कमेंट में लिखते हो ऐसा, तो शायद वो किसी और की भी मदद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। इसके लिए कुछ तो किया होगा ना आपने,
कुछ तो लगाया होगा ना काम अपना, इसी वजह से इतनी हाई वाइब्रेशन में बैठे हो. सो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में. ओके, पहला मैसेज यस, अपनी पावर्स को यूज़ कीजिए. दूसरा मैसेज, आपकी पावर्स जो इन्होंने ऑलरेडी जान ली हैं उनकी पावर इस वक्त और इसमें ही इस वीक में और बढ़ेंगी. मुझे बहुत सारी सक्सेस, नाम, इज्जत, शोहरत, खास करके ये शब्द जो है, शब्द जो होते हैं रिस्पेक्ट, ये शब्द यू नो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. लोग आपको एक गुरु के रूप में देख रहे हैं, एक इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे हैं, और आप लोगों की लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हो. आप बदलाव लेकर आ रहे हो, आप चेंज लेकर आ रहे हो कैप्रिकॉन. और ये आपके आपके खुद के बारे में भी, आप खुद भी बदल रहे हो इन अ पॉजिटिव वे. आपके जैसे असेंशन चल रही है कैप्रिकॉन. एक होता है ना कि एक वक्त पर हम कहते हैं कि एक ही ब्लेसिंग दे दो भगवान से, हम कह रहे होते हैं बस एक ही ब्लेसिंग मिल जाए, दस भी मत दो, बस एक ही मिल जाए. और एक वक्त होता है जिसमें दस के दस दरवाजे हमारे लिए खुले हुए होते हैं. ये भी एक वैसा ही है, पॉजिटिविटी भर भर के, पॉजिटिविटी भर भर के. नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, जैसे मैंने कहा कि अग्नि की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है, तो कुछ जैसे जो खराब है वो भस्म होगा, क्योंकि यहाँ पर अग्नि अपना ज्वाला का रूप ले रही है, बड़ी ज्वाला बन रही है, राइट. तो वो जैसे चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं. कोई बुरी आदत है, कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, जैसे बूम एकदम से धुआं बन जाना, यू नो ये वैसी एनर्जी है उस नेगेटिविटी की. आपको प्रैक्टिकल रहना है इस वीक में. अगेन, आप जो हेल्प कर रहे हैं अगर किसी की, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अगर आप अपनी साधना को और बढ़ाना चाहते हैं, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन 3D वर्ल्ड की रियलिटी से भी मत भागिएगा. 3D वर्ल्ड से मेरा मतलब क्या है कि बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत भी होती है ना, एनर्जी वर्क के बाद. तो उसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी को थका लें, वो नहीं करना है यहाँ पे. स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब पॉजिटिव. अगर आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं. अगर आप अपना किसी कोर्स को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं कि मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आप उसे डेफिनेटली कर पाएंगे. अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ख़ास करके मैरिज में हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बच्चे की, पॉसिबिलिटी है घर को बनाने की, घर के लिए पैसे को इकट्ठा करने की, और साथ में आकर एक नए लेवल पर जाने की. ओके, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, आई थिंक आपके लिए एक प्रपोजल आने वाला है, शादी को लेकर एक प्रपोजल आने वाला है. अगर आप अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं और उसके लिए ओपन है इस वक्त, तो ये अरेंज्ड मैरिज है. और अगर आप सिंगल हैं, तब भी मुझे आपकी तरफ कुछ लोग आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्स यही सब करती हैं. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मतलब मैरिड नहीं है लेकिन लव रिलेशनशिप में हैं, आपके एक से सर्कल चल रहा है आपके रिलेशनशिप में. कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, और उसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि इस साइकिल से अगर बाहर निकलना है तो एक नया साइकिल शुरू करो. और ये जो नया साइकिल होगा, इसमें अपने अपने काम पर ध्यान लगाओ. उससे क्या होगा, फिर नई बातें होगी आपके पास एक दूसरे के साथ शेयर करने की. इस साइकिल में क्या हो रहा है, वही रिपीटिंग यू नो बातें कि ये हो गया, वो हो गया. आपको नई बातें चाहिए, आपको नए एक्सपीरियंसेस चाहिए. अगर अपने अपने रिलेशनशिप को एक नए साइकिल में लेकर जाना है, आपको अच्छा करना है आपको. ओके, तो ये वो लोग कर सकते हैं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और एक साइकिल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं. ओके, हायरोफेंट से अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, इनके साथ स्पेशल कनेक्शन, स्पेशल टाइम इनको देना बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में. ये गुरु आपको कोई बहुत ही ब्यूटीफुल ज्ञान की बात, खास करके आपके जो भीतर का, हमारे जो भीतर का नूर होता है, रोशनी होती है, यू नो, उसके साथ जोड़ने में आपकी मदद कर सकता है ये ज्ञान. और कुछ लोग अपनी पेन बॉडी को जैसे उसको असेंड कर रहे हैं, अपनी पेन बॉडी को, उस आइडेंटिफिकेशन को आप छोड़ रहे हो जो अभी तक आप कह रहे थे मैं बीमार शख्स हूँ, मैं, मुझे ये बीमारी है, ये मेरी बीमारी है. आप उस आइडेंटिफिकेशन को यहाँ पर त्याग रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ. तो पेन बॉडी से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं. ये मैं सच कह रही हूँ, ये इतनी पावरफुल रीडिंग है, बहुत ही पावरफुल रीडिंग.
किसी की अगर बॉडी पर कोई पट्टी भी हो रखी थी किसी जख्म की वजह से, वो पट्टी भी खुल रही है क्योंकि आपके जख्म अब यहाँ पर हील हो रहे हैं, जख्म भर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप देखें इसमें भी सन की ही एनर्जी है, डबल सन की ऊर्जा है यहाँ पर। ट्रैवल प्लान्स भी हाईलाइट होंगे इस वीक में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रैवल करोगे, नो, लेकिन ट्रैवल प्लान्स बनेंगे और ये किसी स्पेसिफिक कोई एशियन कंट्री, जैसे कि आई डोंट नो, मुझे जापान टोक्यो क्यों सुन रहा है, लेकिन जैसे कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, जिस मुल्क में भी आप रहते हो उस मुल्क से किसी और मुल्क को, किसी और कल्चर को यहाँ पर आप यू नो एक्सप्लोर करना चाहते हो, और उसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई प्लान या अपना वही आइडिया आप अपने किसी विजन बोर्ड में लगा सकते हो कि एक दिन मैं इस कंट्री में विजिट करूँगा। और आप एक्चुअल में करोगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और सन कार्ड, यस कार्ड है ये, आप दरअसल उन कंट्रीज में ट्रैवल करोगे इस वीक में, आप जिन भी कंट्रीज के बारे में सोचोगे या प्लान बनाकर अपने विजन बोर्ड पे लिखोगे। एक किस्म का यही है कि पोर्टल खुला है मेरी जान, इसमें जितना जितना डालना है नई नई इंटेंशंस को डाल लो, एक वक्त पर वो सारी इंटेंशंस आपकी पूरी होंगी। कुछ लोगों के लिए इटली भी है यहाँ पे, इटली, कोई लोग, कुछ लोग इटली या स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। थैंक यू। आपकी, हाँ दिस इज फनी, आपकी हायर सेल्फ पता है क्या कह रही है यहाँ पे, दिस इज वेरी वियर्ड, क्योंकि ऐसा मैसेज बहुत रेयर ही मिलता है हायर सेल्फ की तरफ से। आपकी हायर सेल्फ कह रही है काइंड भी बन गए तुमने अच्छा अच्छा यू नो जहाँ फॉरगिवनेस करनी थी वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब आपकी हायर सेल्फ कह रही है काइंड सेल्फ को थोड़ा सा साइड में रखो और अपनी इस बोल्ड सेल्फ में, इस सासी सेल्फ में टैप इन करो। ये हफ्ता काइंड सेल्फ से ट्रांजिशन का भी है, एक बोल्ड सेल्फ में यू नो टैपिंग करने का। अगर आपके अचानक से आपकी चॉइसेस में एक बदलाव देखें आपकी, आप अमूमन लाइट कलर के कपड़े चूज करते थे और अब एकदम से आपका बोल्ड कपड़े पहनने का मन है, आई थिंक वो आपकी हायर सेल्फ है जो आपसे वो ये सारे काम करवा रही है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अब समय है इस सेल्फ को जीने का, इस पहलू को जीने का, अब है जैसे थ्रोट चक्रा में आने का, हार्ट चक्रा का हो गया काम, काइंड सेल्फ का हो गया काम, अब अपनी इस यू नो पावरफुल एनर्जी में आओ। रियली कैप्रिकॉर्न, मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपके कमेंट्स को रीड करने के लिए, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रही हूँ। ऑनर योर फीलिंग्स। सो जब भी आप ऐसी एनर्जी में होते हो, बोल्ड होते हो, सियासी होते हो, वो बात जो दिल में है वो मुंह पे आ जाती है आपके, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता होगा ना, दिल में जो है वो जुबान पर आ जाए बात, तो कैसे हल्का हल्का सा महसूस होता है। वही उसी फीलिंग को स्टेबल करना है इस वीक में। ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग आई और गई, नो, उसको स्टेबल करो। उसको स्टेबल कैसे करोगे? उसे ऑनर करके कि यस, यही वो फीलिंग है जिसको मैं जीना चाहता हूं, बार 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 खुद को वो कॉन्शियसनेस देना शुरू करो। मेडिटेट करो अपने इस बोल्ड सेल्फ के ऊपर, अपने इस बोल्ड वर्जन के ऊपर जो किसी से नहीं डरता कैप्रिकॉर्न, किसी से भी नहीं, जो अपनी मैजिकल पावर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेट योर फियर्स डिजॉल्व। आपका कोई ना कोई डर भी खत्म हो रहा है इस वीक में। अगर किसी को कोई फोबिया है किसी जानवर से, अंधेरे से या फिर हाइट से, आई थिंक आपको मौका मिलेगा अपने इस डर को खत्म करने का इस वीक में, और आपको करना चाहिए, उसको फेस कीजिए और आपको उसी मोमेंट में वो महसूस होगा कि अरे मैं तो खामखा इससे डर रहा हूँ, मैं तो इससे ज्यादा पावरफुल हूँ। अपने डर से ज्यादा पावरफुल हो आप, बेसिकली ये कार्ड आपसे ये कह रहा है। ब्रेथ थ्रू द टेंशन, जहां पर भी लगे कि वो डर थोड़ा सा हावी हो रहा है, इट्स ओके, कुछ नहीं करना उस मोमेंट में, इस जस्ट अपनी ब्रीदिंग पर सारा फोकस ले आओ। ओके, सारा वो सिर्फ पास्ट का है, पास्ट का थोड़ा सा असर जो आपकी आप में थोड़ी सी एंग्जाइटी लेकर आने की कोशिश करेगा, बट इट्स ओके, उसका रामबाण भी दे रहे ना आपको, सीधा प्राणायाम के साथ जुड़ जाओ।
डीप ब्रीदिंग करने लगो एक दो मिनट और एकदम से वो आपकी एंजाइटी जो है वो छुमंतर हो जाएगी यहां पे. गो डीपर. यस. कुछ है आप में ऐसा कैप्रिकॉन जो दबा हुआ है बेसिकली. ओके. और जो दबा हुआ है वो मुझे यही चीज लग रही है कि आप में पावर्स हैं, किसी किस्म की कोई पावर है यहां पर. और जरूरी नहीं है कि ये कोई सिर्फ स्पिरिचुअल वर्क के लिए ही आप इस्तेमाल करें. आप किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं. आप इस पावर को उस पर भी लगा सकते हैं. ओके. तो टैरो सिर्फ स्पिरिचुअल फील्ड की ही बात नहीं करता. ये कोई भी फील्ड हो सकता है. हम अपनी ऊर्जा को कहीं पर भी चैनल करके उसमें सफल हो सकते हैं. ओके. लेकिन यहाँ पर मुझे भर भर के आर्टिस्ट दिख रहे हैं. ओके. कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, एक्सप्लोरर, फोटोग्राफर्स, राइटर्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हायरोफेंट की भी एनर्जी है. ये आपकी एबिलिटीज़ हैं, ये आपकी मैजिकल एबिलिटीज़ हैं. स्पॉटलाइट में लेकर आएंगी आपको. ओके कैप्रिकॉन, ये आपकी रीडिंग है. आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय.